हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेक्स ज्ञान। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि ईजीएम डाउनलोड करने का क्या प्रोसेस है जो जीएसटी रिफंड में आपकी सहायता करेगा। तो आइए हम जानते हैं कि ईजीएम कैसे डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जो भी वीडियो है मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो आइए ईजीएम कैसे डाउनलोड करते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पर और गूगल पर लिखेंगे आइस गेट। आइस गेट पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक विंडो ओपन होगी। विंडो में ये है आइस गेट, ई कॉमर्स पोर्टल ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ट्रैकिंग का, तो हमने यहाँ ट्रैकिंग पे क्लिक करना है। ये देखिए हमारे सामने कुछ इस टाइप की विंडो खुलेगी जिसमें सिर्फ हमने तीन ही चीजें देनी है। सिलेक्ट लोकेशन यानी कि कौन से पोर्ट से हमारा माल जो है वो डिस्पैच हुआ है, बिल ऑफ एंट्री नंबर और बिल ऑफ एंट्री डेट। ये तीनों ही चीज बिल ऑफ एंट्री पे दे रखी होती हैं, तो जिस भी पोर्ट से हमारा माल डिस्पैच हुआ है मैं उसका भी नंबर डाल रहा हूँ जिससे हमारे को ईजीएम की डिटेल मिल जाएगी। ये मैंने जिस पोर्ट से हमारा माल डिस्पैच हुआ है वो डाला। इसके बाद मैंने अपना शिपिंग बिल नंबर डाला, देन मैंने शिपिंग बिल की डेट डाली। यहां से जो ये कैलेंडर दिख रहा है यहां से हमने शिपिंग बिल की डेट डालनी है। ये मैंने डेट डाल दी है। देन जो हमने ये नीचे कोड दिख रहा है हमें वो डालना है। देखिए अब मैं इसको सबमिट कर रहा हूं। सबमिट करते ही मेरे सामने सारी ईजीएम की डिटेल्स आ जाएगी जो हमें रिफंड के टाइम पर चाहिए होती हैं। ये हमारे सामने आ चुकी है ईजीएम की डिटेल। इस तरह से हमारे सामने ईजीएम की डिटेल निकल जाएगी इजिली। तो आप ईजीएम की डिटेल भी डाउनलोड कर सकते। ये हर शिपिंग बिल नंबर वाइज अपलोड होती है, तो प्लीज कृपया करके हर शिपिंग बिल नंबर डालिए और इसको हर ईजीएम नंबर को अपना डाउनलोड कर लीजिए। आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर प्लीज समझ में आ गई है तो प्लीज इसको लाइक शेयर जरूर करिए और प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।